हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों ये जो आप प्लांट देख रहे हैं यहाँ पे, ये कर्पूर वाली प्लांट है। इसको आजकल लोग अजवाइन का प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो खुशबू आती है अजवाइन की जैसे आती है, तो उसको अजवाइन प्लांट भी लोग कहते हैं। पर मैं आपको गलत फहमी है कि जो बारे में फैल गया है उसको बताने वाली हूँ कि ये सच में अजवाइन का प्लांट है या दूसरा प्लांट है, क्या उसके थोड़ा मिलता जुलता ये प्लांट है। सबसे पहले इस प्लांट का नाम अजवाइन का प्लांट नहीं है, कर्पूरवल्ली ये प्लांट है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कर्पूरवल्ली का पौधा घर में लगाने से आसपास की सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो सकती है, बुरी शक्तियों का साया घर पर नहीं पड़ता है। कर्पूरवल्ली का पौधा अपनी सुगंध से चारों ओर के वातावरण को खुशबूदार बना देता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है और मानसिक शांति भी मिलती है। तो ये जो आप पौधा देख रहे हैं यहाँ पे, ये कर्पूरवल्ली का पौधा है, ये अजवाइन का प्लांट नहीं है। फिर भी इसके एक मेडिसिनल प्लांट है, इसके कई सारे मेडिसिनल फ़ायदे हैं। जिसको भी पेट की कोई बीमारी होती है, अस्थमा की बीमारी होती है, तो लोग इस प्लांट के जो पत्ते आप यहाँ पर देख सकते हैं, उस पत्ते के पकोड़े बनाकर खाते हैं, ताकि ये अजवाइन की तरह से इसकी खुशबू आती है और थोड़ा मेडिसिनल प्लांट है। इसके वजह से सर्दी खांसी जुकाम जो भी बच्चों को रहता है, बड़ों को रहता है, तो ये प्लांट मेडिसिनल के लिए यूज़ करते हैं। तो अजवाइन का पौधा ये एक मेडिसिनल प्लांट है, ये भी साबित हुआ है, और ये हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा प्लांट है। आमतौर पर कर्पूरवल्ली को खाने का स्वाद बढ़ाने और उसे डाइजेस्टिव बनाने के लिए मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल कई व्यंजनों में किया जाता है। कर्पूरवल्ली अपनी खुशबू की वजह से जाना जाता है। कर्पूरवल्ली सिर दर्द, पेट दर्द जैसी कई समस्याओं में भी इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में इसका एक खास स्थान है, जहाँ इसका बीज ही नहीं बल्कि इसकी पत्तियाँ को भी बेहद गुणकारी माना जाता है, जिसके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते। तो चलिए आज हम आयुर्वेद के नज़रे से कर्पूरवल्ली के पत्तियों की खूबियाँ और उससे होने वाले फ़ायदों के बारे में जानते हैं। इनके पत्तों में विटामिन बहुत पाया जाता है, और इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भी भारी पैमाने में होती है। इसके अलग अलग तरह के इस्तेमाल से कई समस्याओं का और बीमारियों का निवारण किया जा सकता है। चिकित्सक द्वारा इसे पीड़ित को कच्चा भी खिलाया जाता है, साथ ही इसकी पत्तियाँ की चाय बनाकर भी दी जाती है। इसका लेप भी ज़रूरत के आधार पर लगवाया जाता है। इसके अलावा खाने में पराठे और पकोड़े भी काफ़ी पसंद किए जाते हैं। इन समस्याओं में लाभकारी होते हैं कर्पूरवल्ली के पत्ते। अगर आपको कोई भी कैल्शियम और पोटेशियम होने के कारण इससे आपको यूरिन का कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो इसमें ये पत्ते आप सेवन कर सकते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। कर्पूरवल्ली के पत्तों की चाय पीने से न सिर्फ पेट से जुड़ी अपच और गैस की समस्या में राहत मिलती है, बल्कि इससे इस्तेमाल से फेफड़ों की भी सफाई होती है। इससे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, एंटी और कैंसर और एंटी बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, जो ठंड और खांसी को दूर करने में भी बेहद कारगर होते हैं। ठंड लगने या खांसी की समस्या के दौरान इसका काढ़ा बनाकर पिया जाता है। स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें शहद भी मिलाया जा सकता है। बॉडी डिटॉक्स करें, अजवाइन के पत्तों की चाय बनाकर पीने से बॉडी डिटॉक्स होती है। इसकी चाय पीने से सेहत संबंधी कई लाभ होते हैं। फाइबर, कैल्शियम, नियासिन, मैग्नीज, फोलेट, इसके कई सारे भरपूर इन पत्तों की चाय पीने से आप लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। तो दोस्तों इस प्लांट के इतने सारे फायदे हैं, फिर भी लोगों को ये पता नहीं कि ये प्लांट कितना इम्पोर्टेंस है। इसलिए हर बालकनी में, गार्डन में ये पौधा मुझे तो लगता है होना ही चाहिए। इतना अच्छा खुशबूदार और मेडिसिनल प्लांट है, बहुत प्यारा प्लांट है, आप इसे ज़रूर लगाएं आपके गार्डन में। इसकी स्पेशली स्मेल इतनी प्यारी है, बिल्कुल अजवाइन की तरह इसकी स्मेल आती है। पर जैसे अजवाइन एक मेडिसिनल यूज़ करते हैं, उसी तरह ये भी प्लांट हेल्दी है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये इसके पत्ते नहीं खा सकते या ये साइड इफ़ेक्ट करता है, ऐसा कुछ भी नहीं। प्लांट बहुत हेल्दी है, इससे कुछ भी
साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है, ये डेली आप सेवन करेंगे तो भी अच्छा है। इसके पकोड़े स्पेशली बनाकर आप खाएं, बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत हेल्दी रहता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस आपके भाषा में अजवाइन प्लांट पर है, अजवाइन प्लांट नहीं है, मैंने बोला इसका नाम कर्पूर वल्ली प्लांट है। अजवाइन की स्मेल से ये काफ़ी जाना जाता है, इसलिए इसका नाम अजवाइन पड़ा है, पर ये कर्पूर वल्ली इसका रियल नेम है। तो आपकी भाषा में आज अजवाइन का प्लांट के बारे में हमने यहाँ पे देखा है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सच में मेरी जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपका ख्याल रखें और बाय बाय, टाटा।